ज्यादा स्कोप इस टाइम डिजिटल मार्केटिंग का, ये स्कोप है कि लाइक अपना फ्रीलांसिंग या अपना कोई बिजनेस करना है तो उसके लिए अच्छा है। जॉब के लिए तो मुझे कुछ खास लगा नहीं इसमें। ग्राफिक डिजाइन में जॉब ज्यादा है। यूआई यूएक्स इस टाइम ट्रेंडिंग में चल रहा है। वेब डेवलपमेंट में बहुत अच्छा स्कोप है, पर वेब डेवलपमेंट में ये है कि बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, कोडिंग में बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है। इसमें सैलरी वैलरी से बहुत अच्छी मिल जाती है, मतलब अगर 3 2 3 साल का एक्सपीरियंस है तो मतलब अच्छी सैलरी मिल जाती है। वेब डेवलपमेंट में इसमें तो पैकेज अच्छे पहुंच जाते हैं, 10 10 12 12 लाख पहुंच जाते हैं बच्चों का। एक स्टूडेंट है वो उसका 10 लाख का पैकेज लगा है, अभी तक आज तक कभी ऑफिस नहीं गया, और 1.5 साल हो गया, 1.5 साल से ऑफिस में मतलब ऑफिस नहीं गया और जॉब चल रही है घर बैठे बैठे। यहीं का ही है, लक्ष्मी नगर में रहता है, मतलब जॉब कंपनी जो बाहर की है। चलो ये आ गया हमारे पास। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, ये हमने सीख लिया किस तरीके से लगाना है आपने, ठीक है। अब आते सेकंड, गूगल मैप कैसे लगाते हैं। अगर गूगल मैप लगाना होगा अपनी वेबसाइट में तो आप कोई सी भी लोकेशन ले लेना, जैसे मैंने यहाँ पे क्या करा यही ले लिया, ये अपनी लोकेशन, ठीक है। ये आ गया, आपको क्या करना है यहाँ पे लोकेशन पे क्लिक करना है, इस तरीके से लोकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे शेयर का बटन आएगा, आपको शेयर पे क्लिक कर देना है। यहाँ एम्बेड मैप का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे इसे कॉपी कर लेना है और यहाँ पेस्ट कर लेना है। इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा गूगल मैप की लोकेशन भी आ जाएगी। अब चेक करें इसमें कैसा दिख रहा है, तो देखो रिफ्रेश किया हमने तो यहाँ देखो ऐसे मैप की लोकेशन आ गई, ठीक है। तो मैप की लोकेशन हम इस तरीके से लगा सकते हैं। अब आते हैं वेबसाइट में ना, फेसबुक का भी ऑप्शन लगाते हो तो अच्छी वो मिलती है रैंकिंग। आपको क्या करना है, अपने फेसबुक का पेज भी इसमें लगा देना है, वेबसाइट में जो भी आपकी वेबसाइट होगी इसमें लगा सकते हो। तो फेसबुक का पेज लगाने के लिए क्या करेंगे, गूगल पे जाना है और सर्च करना है डेवलपर, ये सर्च कर लेना फेसबुक लाइट बॉक्स, लाइक बॉक्स, ठीक है। ये सर्च करना, ये सर्च करोगे तो यहाँ पे डेवलपर की साइट आएगी, इस पे क्लिक करना, पेज प्लगइन पे क्लिक कर लेना। और यहाँ पे ना अपने पेज का जो भी नाम हो ना, तुम्हारे पेज का जो भी फेसबुक का पेज का नाम होता है, ठीक है, तो वो डाल देना है। ऐसे मैंने डाल दिया, इस पे क्लिक किया, देखो नीचे पेज का नाम आ गया, ये आ गया पेज पूरा, ठीक है। इसे मैंने गेट कोड पे क्लिक किया, आई फ्रेम पे क्लिक किया, इसको हमने कॉपी कर लिया और इसको हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। आगे समझ में, अब चल चेक करते हैं हम, तो रिफ्रेश करके देखते हैं। तो ये देखो फेसबुक का पेज भी हमारा इस तरीके से आ जाता है। तो आप इस तरीके से सोशल मीडिया, यूट्यूब और अपनी गूगल लोकेशन, ये सब अपनी वेबसाइट पे लगाओगे तो आपकी रैंकिंग के चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो ये आई फ्रेम होता है, आई फ्रेम के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, ऐसे ये सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई ना, आई फ्रेम वाला समझ में आ गया ना, यूट्यूब का भी चल गया, इसका भी चल गया। और ये भी, अगर कोई पीडीएफ लगानी है, आपके पास कोई पीडीएफ पड़ी है और आप चाहते हो अपनी वीडियो की डॉक्यूमेंटेशन यहाँ लगानी है, तो उसके लिए आपको कोड करना पड़ेगा, ये लिखना पड़ेगा आई फ्रेम। आई फ्रेम को बंद कर देंगे, यहाँ लिखना पड़ेगा आई फ्रेम के अंदर SRC, SRC के अंदर अपनी फाइल का नाम रख देना है। तो मेरे पास कोई पड़ी है पीडीएफ, चलो ये वाली, ये पीडीएफ ले लेते हैं। और इसको मैंने क्या करा, अपने इसमें रख लिया, कहाँ पे है हमारा फाइल, अजय, यही फोल्डर था ना, इसको मैंने यहाँ पेस्ट कर दिया, ठीक है। वही वही वही, इतना सारा डाटा कहाँ से आ रहा है, तो डाउनलोड का फोल्डर आ गया था। चलो ये वीडियो कॉपी किया, अजय वाले फोल्डर के अंदर, हमेशा फोल्डर के अंदर ही रखना है आपने, ठीक है। कंट्रोल भी किया, यहाँ पे इसके अंदर नाम कुछ भी दे दिया इसका, ठीक है।
और अब यहाँ पे आई फ्रेम लगाना है। आपने कैसे लिखना है, आई फ्रेम src, फाइल का नाम आ जाएगा यहाँ पे और PDF आ जाएगी, बाबला .pdf ऐसे, ठीक है। सेव कर लेना है ऐसे। और अब जरा चेक करते हैं कैसा दिख रहा है हमारा ये पेज। रिफ्रेश किया और यहाँ पे देखो ये PDF आ गई PDF इस तरीके से, ठीक है। इसकी मैं वेट बढ़ा दूँ तो यहाँ पे मैं इसकी वेट बढ़ा देता हूँ 100% और हाइट भी बढ़ा देता हूँ, हाइट 500 पिक्सल। इससे क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास ये आ गया, आ गया समझ में। तो ऐसे हम सेट कर सकते हैं। तो ये हमारा ए हो गया हमारा लाइक वीडियो का, ये हो गया हमारा मैप का, ये हमारा इसका फेसबुक का, और ये हमारी आई फ्रेम से हमने ये लगा दिया। तो ये चार चीज़ें हमने इसमें सीखी किस तरीके लगाएंगे। तो अपने पेज पर अभी ये जरा ये लगा के देखो, ठीक है। इसी पे जो ये वाला तुम काम कर रहे हो ना, इसी पे ना एक PDF निकाल लो, एक YouTube की वीडियो निकाल लो, एक गूगल मैप की लोकेशन निकाल लो, ठीक है। एक कोई फेसबुक का पेज लगाओ, ठीक है। इस तरीके लगा देखो आई फ्रेम src। और मैं चाहता हूँ कि ना अगर यूज़र क्लिक करे बटन के ऊपर तब जाके मेरी गूगल मैप की लोकेशन आए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे एक बटन बना दूंगा। बटन बनाने के लिए क्या लिखते हैं हम, यूँ बटन लिख देते हैं बटन, और बटन को बंद कर देंगे, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया विजिट माई साइट, ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे देखो बटन आ रहे हैं, मैं चल रहा इस पर क्लिक कर, इस पर मैं क्लिक करूँ तो क्या हो जाए हमारा अलग एक पेज खुल जाए, ठीक है। तो पेज खोलने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ए टैग लगा देंगे, ahrefs इक्वल्स टू क्या चीज़ आ जाएगा अभी, ए को बंद कर दिया हमने, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो लोकेशन है ना डायरेक्शन, ये रहा, इस लोकेशन को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी करके हम यहाँ पे लगा देंगे इस तरीके से, ठीक है। अब जरा चेक करते हैं, हम रिफ्रेश किया तो देखो क्लिक करने पे क्या हो रहा है, वो लोकेशन आ जाएगी हमारी, ठीक है। वो लोकेशन हमारी क्लिक करने पे आ रही है। तो इस तरीके से हम सेट कर सकते हैं, ठीक है। आगे समझ में ये, तो यही करना है तुम्हें, क्या क्या करना है इसके अंदर, आई फ्रेम को यूज़ करके देखना है आई फ्रेम, और ये तीनों चारों चीज़ें लगा के देखनी है, ठीक है। और ये लिंक लगा के भी देखना है, लिंक करके कैसे आएगा, ठीक है। ये चार चीज़ें करनी माइक डाल दिया, तो माइक पे किया। गुड इवनिंग।